कबीर जी के ले हैंड प्रेयर करते ही बॉम्बे में हुआ एक और बहुत बड़ा चमत्कार। और देखो, एक स्त्री ने जिसके पारंवर से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वे अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है ये। बहन अपनी गवाही देने के लिए मुंबई से आए हैं और बता रहे कि 16 साल से बहन को यूटरस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, जिसके कारण ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 16 इयर्स कंसीव नहीं कर पा रहे थे और विश्वास के साथ चर्च में आए थे और स्पेशल सीट के साथ ले हैंड प्रेयर करवाई और बता रहे कि 9 मंथ प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम। बरकता पे बरकता पे बरकता मेरा यीशु लेके आया है। बरकता 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 सबको जय मसीह की। प्रॉफिट जी को जय मसीह की। मैं 14 साल की थी जब मेरे पापा बहुत बीमार हुए थे और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे। 2.5 महीना जिंदा थे जब मैं उनको हॉस्पिटल में देखने गई थी। तो उन्होंने जब मुझे हाथ लगाया था तो पापा की जो बीमारी थी वो हाथ के द्वारा मेरे पेट में चली गई थी। तो तभी मुझे पीरियड स्टार्ट नहीं हुए थे। जैसे फिर वो उन्होंने मुझे वो टच किया वो मेरे पेट में चला गया था। तो उसके बाद में मेरे को पीरियड स्टार्ट हुए और उसके बाद में मुझे पूरे साल ब्लीडिंग की इश्यू प्रॉब्लम रहती थी। मैंने इतने ट्रीटमेंट मुंबई के एक्सपर्ट डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन मेरा ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं हो पा रहा था। मैं इतना रोती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद शादी हुई तो मैं फिर बच्चे की आशीष से मैं महरूम थी। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं अब पहले यूट्रस का ये प्रॉब्लम, ब्लीडिंग का, बच्चा नहीं हो रहा है, मैं कहाँ से इसका इलाज कराऊँगी। डॉक्टर का भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक दिन यूट्यूब पे मैंने प्रॉफिट जी का लाइव देखा, बस मैंने उधर ही पकड़ लिया। मैंने बोला इस प्रॉफिट के पास मुझे जाना है और इसको पकड़ के मैंने अभी मेरी आशीष मांगनी है परमेश्वर। हालेलुया। मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया। 2018 में मैं पहली बार आई, मुझे पता नहीं चला कि इनसे कैसे मिलना है। 2019 दिसंबर में मैं सेकेंड टाइम आई, तभी भी मुझे पता नहीं चला, लेकिन एंड में जाते वक्त मुझे पता चला कि ये ले हैंड करवाते, स्पेशल ले हैंड का मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और प्रॉफिट जी से मैंने स्पेशल ले हैंड करवाया 13 दिसंबर 2020 को। इस बहन ने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी से ले हैंड प्रार्थना करवाई और परमेश्वर ने इन्हें गर्भ के फल के साथ आशीषित किया। बैड स्पिरिट निकलो बाहर, चलो निकलो, इसके गर्भ को छोड़ दे, चल चल बाहर। वाओ, प्रॉफिट जी के ले हैंड प्रेयर करते ही 16 साल के बांझपन से मिला छुटकारा। उसके बाद में मैं यहाँ से जब गई तो दिसंबर में यहाँ से 2 दिन जाने के बाद ही मुझे पीरियड हुआ और फिर मैं सोच रही थी कि ये क्या है परमेश्वर, समझ में नहीं आ रहा वापस पीरियड, लेकिन पीरियड तो आना ही हर महीना। तो फिर वो हो गया महीना मेरा क्लियर। जनवरी में मुझे महीना नहीं आया और मुझे पूरा महीना लूज मोशन हो रहा था। मैं बोल रही थी ले हैंड करवाया है, पीरियड भी आया, अभी लूज मोशन हो रहा है। मैं फिर सब बोल रहे थे कि दवाई करवा ले, लूज मोशन इतना महीना भर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सोची महीना भर लूज मोशन हो रहा है तो भी मुझे कमजोरी नहीं आ रही, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, सब कर रही हूँ। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास फिर दिखाया नहीं, मैंने सब छोड़ ही दिया, डॉक्टर का निकाल दिया। मैंने बोला, प्रॉफिट ने बोला ना, बात ही खत्म, बच्चा होना ही होना है बस। तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें कंफर्म हो गया और अभी मेरा 8वां महीने खत्म हो रहा है। 2 दिन में मुझे 9वां महीना स्टार्ट हो रहा है। मैं प्रॉफिट जी से आशीर्वाद लेने आई हूँ। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, मैं गाऊंगा उसकी सदा। खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। 16 साल से कहां कहां ट्रीटमेंट नहीं कराया इसने, लेकिन इसने विश्वास किया ले हैंड प्रे कराने से कुछ तो जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी डॉक्टर ने मुझे मना किया था 2 दिन बुकिंग की ट्रेन के पहले कि मत जा, इतने साल के बाद हुआ है। और वो इतनी शौक से मुझे पूछ रही थी कि कैसे हुआ बता तो। मैंने कैसे हो गया, मैंने बोला वो चंडीगढ़ में ना वहाँ पे चर्च लगता है, प्रॉफिट जी से प्रेयर करवाने के बाद हुआ। बोलती चल अच्छा हो गया, हो तो गया, हम लोग भी परेशान थे तेरे से बहुत। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया इस बेटी को, पवित्र आत्मा इसको ब्लेस करे। अब इसको बताओ बेटा चाहिए कि बेटी? बेटा। चलो तेरे को परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ते बरकता ते बरकता मेरा यीशु लेके आया। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो। ये बहन जब प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रार्थना के बाद प्रेग्नेंट हुई और अपनी गवाही देने आई, तब परमेश्वर के दास ने इनके लिए जो बेटे की आशीष की भविष्यवाणी की, उन वचनों को इसने ग्रहण किया और परमेश्वर ने इसे बेटे के साथ आशीषित किया।
बेटा चाहिए कि बेटी? बेटा। चलो तेरे को परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रेगनेंसी रिसीव करने के बाद इस बहन ने परमेश्वर के दास से अभिषिक्त शब्दों को ग्रहण किया और परमेश्वर ने इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। 6 मार्च 2022 को फिर ये बहन अपने पूरे परिवार के साथ गवाही देने चर्च आई। आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनको 16 साल से बच्चादानी में रसौली थी। बहन 13 दिसंबर 2020 में आपसे लेहेंड प्रेयर करवाने के लिए स्पेशल मुंबई से आए थे और आपने प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर आपको बच्चा देने के लिए जा रहे हैं। और बहन 8वें महीने में स्पेशल गवाही देने के लिए मुंबई से आए थे और आपने फिर से प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर आपको बेबी बॉय की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे हैं। बेटा चाहिए कि बेटी? बेटा। हमारी चर्च में बेटियां मिलती नहीं है। चलो तेरे को परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गवाही के साथ है, परमेश्वर ने मेरी बॉय के साथ पेश किया। देखो हमारे चर्च में लोगों को आशीष मिलती कि नहीं? जिनके पास बेटियां हैं उनको बेटे मिलते हैं। जय मसीह की। प्रॉफिट जी, आई लव यू सो मच। ओह थैंक यू। प्रॉफिट जी, मैंने 26 सितंबर 2021 में गवाही दी थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। 13 दिसंबर 2020 के स्पेशल ले हैंड के बाद में। तो मैं बहुत खुश हूँ प्रॉफिट जी। आपने तभी मुझे पूछा था कि क्या चाहिए, बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। मैंने पीच कलर का गाउन पहना था, आज मैं पीच कलर के सूट में आई हूँ। याद आ गया। आपने पूछा था बेटा चाहिए बेटी, तो मैंने जोर से चिल्लाकर बोला था बेटा। बेटा चाहिए कि बेटी? बेटा। और उसके एक डेढ़ महीने के बाद में मेरी डिलीवरी हुई और परमेश्वर ने मुझे बेटे के साथ में ब्लेस किया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कितने इसकी गवाही को सुन रहे थे? ये यहाँ पर आई थी बॉम्बे से और इसने बताया था कि मेरी ट्यूब बंद थी और वो खुल गई। ऐसा ही था ना? यस। और इसने गवाही में बताया कि उस समय ये मैं इसको पूछ रहा था और मैंने कहा था पूरी पब्लिक के सामने कि परमेश्वर तेरे को बेटा ही देगा। आपको लग रहा है प्रभु की ओर से? यस। मैंने एक्चुअली स्टार्ट में जब भी मैंने प्रॉफिट जी को लाइव देखा था यूट्यूब पे, तो मैं मुंबई में थी और मैंने तभी ठान लिया था कि मैंने इस प्रॉफिट के पास जाना और अपनी आशीष लेनी है इनसे मांगकर। क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह उस 12 वर्ष की रोगन को चंगाई दी थी, उस समय परमेश्वर खुद धरती पर था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि प्रभु आज इस दौर में तू नहीं है, लेकिन तेरे रूप में मैं प्रॉफिट जी को देखती और उसके द्वारा मुझे छूकर तू मुझे चंगाई देगा, मैं विश्वास रखती हूँ। और मैंने उसके बाद प्रॉफिट जी से फिर स्पेशल ले हैंड लेकर मैंने अपनी आशीष को पा ली और उसके बाद मेरे सारे हालात और परिस्थिति भी सारे बदल गए। इसलिए मैं प्रॉफिट जी को और प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस प्रकार बाइबल में उस लहू बहने वाली औरत ने विश्वास किया कि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसी प्रकार इस बहन ने अपने विश्वास के साथ प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रार्थना करवा कर 16 साल के बांझपन से छुटकारा पाया। अपने भविष्यद्वक्ताओं, अपने दासों द्वारा आपको छुटकारा देता है। उसी तरह परमेश्वर ने अपने दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी को चुना है आपको छुटकारा देने के लिए।